हाय देरिन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद है अमाना मॉल में। लोग बहुत सारे यहाँ पर हमारे आसपास मौजूद हैं। इस टाइम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पीक आवर्स चल रहे हैं, जैसे हम कोई राइड लेने लगते हैं तो हमें पता चलता है जी पीक आवर्स हैं और हमें राइड नहीं मिल पा रही है। इसी तरह से इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर एक पीक आवर चल रहा है जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। लोग शॉपिंग में भी मसरूफ़ हैं, फ़न के लिए भी आए हैं, कोई वैसे आ रहा है, कोई दोस्तों के साथ, कोई फैमिली के साथ। तो हम अपने इस फन में कर लेते हैं उन्हें शामिल और उनसे करते हैं फ़न से भरपूर बहुत सारे सवाल, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें हमारे सवालों के जवाब आते हैं या नहीं। हम क्यों भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश तो आपको भी करनी है ना। खैर, जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानजा है। शानजे। आपका क्या नाम है? शहजादी। शहजादी, आप इनकी मदर हैं? हाँ जी, मैं इनकी मदर। कितनी प्यारी मदर हैं यार। कितनी बहनें हैं शानजे? हम दो बहनें हैं। दूसरी बहन कहाँ है? वो घर पे है। आज क्या करने आए थे मॉल में? मैं मामा को बस घुमाने आई। शॉपिंग? अच्छा, आप मामा को घुमाने आई थी? हाँ। करो यार, मतलब मैं समझी थी कि मामा घुमाने आए हैं। नहीं, मामा को घुमाने आए हैं। नहीं, एक्चुअली नहीं, ये हम आउट ऑफ सिटी रहते हैं ना, तो मामा कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं हाफिजाबाद। अच्छा, आप हाफिजाबाद में रहते हैं। आप दोनों बहनें यहाँ लाहौर में? आप? मैं और मेरा भाई लाहौर होते हैं। ठीक है, और मामा आपके पास आई? हाँ, मामा हमारे पास आई हुई हैं। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए। क्या प्लान किया है अदर देन शॉपिंग मॉल? मामा को और कहाँ लेके जाना है? इसके बाद जाऊंगी कहीं मैकडॉनल्ड वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह खिलाने। खाना पीना आज करना है? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, वैसे क्या हो रहा है शान से ज़िंदगी में, क्या हॉबीज़ होती हैं? मैं मेडिकल बिलिंग करती हूँ। अच्छा, क्या होता है मेडिकल बिलिंग? ये होता है, ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रोवाइडर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कोडर्स। अच्छा, होते हैं। लेकिन आपका क्या काम क्या है इसमें? मेरा काम है बिलिंग एग्जीक्यूटिव। मैं पेशेंट फॉलोअप भी करती हूँ, प्लान फॉलोअप भी करती हूँ और साथ में बिलिंग। बहुत हैक्टिक जॉब तो नहीं है मुझे सुन के लग रहा है? इट्स नॉट हैक्टिक जॉब, अगर इंटरेस्टिंग है तो बहुत मज़े की जॉब है। अगर इंटरेस्ट है और अगर आप दिल जमी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़े की जॉब। कितने घंटे का काम करना होता है एक दिन में? 8 आवर्स जॉब है, 1 आवर ब्रेक होती है अंदर, तो मज़ा है। मज़ा है। कब से कर रही हैं? इट्स अबाउट 2 ईयर्स। अच्छा, आगे क्या सोच के रखे? MS करूँगी इंशाल्लाह। ये भी अच्छा है। कुछ अच्छा से सुना दें दोस्तों को, एनी सॉन्ग, कोई बात, कोई शेर। शेर, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे करोबियाँ। अच्छा, सवाल पूछने से आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, यानी तो सवाल हमारा से ये है कि दुनिया के सबसे महंगे फैशन डिज़ाइनर का क्या नाम है? आई डोंट नो, आई एम सॉरी। सोचना भी नहीं? सोच लेते हैं, मतलब 2-3 ब्रांड्स हैं उनमें से सोच लें। चले, आसिम जो? नो, इज नॉट पाकिस्तानी। ओके, ब्रांड गुची? नॉट एक्चुअली, कुछ और। स्वीट 16? नो, तीनों ऑप्शन गलत है। वैसे अगर आप थोड़ा सा और सोचती तो मे बी आपके दिमाग में आ जाता, क्योंकि बड़ा फेमस ब्रांड है। बट थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अब्रश। अब्रश, अब्रश का क्या मतलब होता है? रहमत की बारिश। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आपका क्या नाम है? अनस। अनस, आपको चोट कैसी लगी है? गिर गया था। नहीं, गिर गया था ना? ओह माय गॉड, ओह, मतलब कब हुआ? लास्ट वीक में। आपके बच्चे हैं? यस सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तैयब है। तैयब, आपकी मिसेज नहीं आई क्या? आई है, बस वो शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग में बिजी हैं। अच्छा, क्या चलें। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं फैशन डिजाइनर हूँ बेसिकली। सॉरी, फैशन डिजाइनर हूँ। अरे, फैशन डिजाइनर, अमेजिंग। किसी के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं? अपना भी और किसी के लिए भी, फ्रीलांस। यस, चल रहा है जिंदगी का सिस्टम सब अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह। महीने आप? शुक्र। क्या सोच के रखे अपनी फैमिली के लिए, क्या करना है? फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता है, इंसान जाहिर है मर्द सब कुछ कर रहा होता है। हम लोगों ने महरूमियाँ देखी होती है, हर इंसान, हर माँ बाप वो यही कोशिश करता है कि वो उसके बच्चे नहीं देखे, बच्चों के बिना मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकते। बट क्या प्लानिंग क्या है इसके पीछे? प्लानिंग ये खुद बताएगी आपको कि ये क्या बनना चाहती है। आप बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहती हूँ, जैसे कि सोचा है, मेकअप करना पसंद है। मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप करना नहीं पसंद, मैं मैट्रिक तक बिल्कुल मेकअप नहीं करूंगी। ओके, और उसके बाद? मतलब मेकअप के बगैर ही बहुत अच्छा लगता है। वाओ,
बातें सुने जरा, कितनी प्यारी प्यारी बातें हमारे अल्फाज कर रहे हैं। और बताएं किस बारे में? अपने बारे में। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ अपने DPS स्कूल लाहौर मॉडल टाउन एंड आई एम 6 इयर्स ओल्ड। ओके, आई एम 6 इयर्स ओल्ड। बट आई लाइक, व्हाट डू यू लाइक? अच्छा, खाने में, खाने की चलें बात कर लेते हैं ना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद होंगी, है ना? तो अब्रिश को खाने में क्या पसंद है? क्या नाम है? तो गोलगप्पे पसंद है। इन्हें तो खाने में गोलगप्पे पसंद है। और बताइए ना जरा, जरा अनस आप बताइए और क्या क्या पसंद है इनको? इसको क्या है, तो ब्रारी ब्रारी गोलगप्पे तो 6 प्लेट खा जाती है। 6 मिनट में खा लेती है ये गोल, 6 प्लेट्स खा लेती है गोलगप्पे की। और अनस, एक तो ये जो 6 दफे मेरी ग्रीन कार में बैठ गए हैं। क्या 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 आप हमें कुछ सुनाएंगे या अब्रिश से सुन लूं? अब्रिश से ही सुन ले। हाँ जी, मेरा मतलब, आपका मतलब क्या? आप मेरा मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप हमें कोई गाना सुना दें। आन जान दी पसूरी नू जहर भरे आ तेरी बेजवाब मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया हाँ जा हो के हंस जाए आया दूरी दूरी नू। वाओ, आसम। अच्छा अनिस, अब्रिश, मैं आप दोनों से और आपके पापा से एक सवाल कर रही हूँ, लेसी हमें जवाब कौन देता है। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सा सवाल है ना, आप जब भी किसी से पूछेंगे तो आपको एक आंसर नहीं मिलेगा, आपको उसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है? आप मतलब पापा से पूछेंगे वो आपको कुछ बताएंगे, मामा से पूछेंगे तो वो कुछ और जवाब देंगी, आप अपनी फ्रेंड से पूछेंगे तो वो कोई और जवाब देंगी। आई डोंट नो। यू डोंट नो? नो। वोंट यू इवन ट्राई? नो। जस्ट थिंक अबाउट इट। अनस, आपके ज़हन में कुछ आ रहा है? इतने दिनों से क्या बात आती रहती है? अनाया फ्रेंड है, वो एक बार कहती है स्कूटी दे दो, अपनी स्कूटी चला लूँ मैं। हाँ भाई, स्कूटी दे दो, स्कूटी चला लूँ मैं, तो इसका जवाब भी कुछ भी हो सकता है। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। अनस, एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हुमा। अच्छा, वहाँ देखें, हुमा क्या करती है? हुमा, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। कितने बच्चे हैं आपके? 2। माशाल्लाह। बेटी बेटा? बेटी बेटा। बेटी बेटा, देखें सारे गेसेस आज मेरे सही चल रहे हैं। अच्छा बताइए, आज मॉल में कैसे आना हुआ? बच्चों को ऊपर लेके आए हैं, झूलों के। ऊपर कहाँ? झूलों के लिए, वो ऊपर राइड्स है। हाँ जी, सही है। अच्छा, क्या बनाती हैं आप अपने बच्चों के लिए, हेल्थ फूड क्या बनाती हैं? बच्चों को कभी दलिया बना देती हूँ, कभी दलिया भी बहुत ताकतवर ग़िज़ा है, और जो उन पर डिपेंड करता है, जो अच्छी तरह खा ले, और नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते, मीठा ज़्यादा नहीं खाते। अच्छा, मीठा आपको पसंद है या नहीं? नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है, वो मेरे इसलिए आपके बच्चों को भी नहीं पसंद। ऐसी भी बात है। कुछ अच्छा सा सुना दें, कोई रेसिपी शेयर कर दें, कोई शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें। रेसिपी मैं बच्चों के लिए एक शेयर करूँगी। शेयर कीजिए। छोटे बच्चों के लिए हेल्थ फूड है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एप्पल लेके, बच्चे एप्पल नहीं खाते, 6 माह के बच्चे को ये देनी है, और ना वो उसको ना नीचे से भाप देनी है पतीली में रख के। अच्छा, सेब कौन सा? सुर सेब, सबज, पीला, अवेलेबल हो, जो भी अवेलेबल है। हाँ, उसको वो भाप से वो मैश, मतलब कि नरम हो जाएगा, फिर उसको मैश कर लें, फिर उसके अंदर एक चम्मच शहद डाल के वो बच्चों को दें, वो बहुत बच्चों के लिए हेल्दी है। वाओ, ऑसम। ये आज से पहले मुझे पता नहीं था। नहीं, मैं देती हूँ अपने बच्चों को। कितनी देर तक उसको स्टीम करना है सेब को? आपने यही बात की ना, भाप देनी है। आप देखते हैं जब तक वो हो जाए, 10-15 नरम हो जाता है। हाँ जी, 10-15 मिनट में हो जाता है। अच्छा, कच्चा सेब क्यों नहीं दे सकते हम इतने छोटे बच्चे को? पता नहीं, ये रेसिपी मेरी दादी ने मुझे। गुड, खैर, ये भी अच्छा है। आपसे एक सवाल पूछें, लेसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा आपको मुख्तलिफ ही मिलेगा, आप जितनी बार भी पूछेंगी, जिससे भी पूछेंगी, एक जवाब नहीं मिलेगा? खाना पकाने का। खाना पकाने का, वैसे ये बात भी है, खाना पकाने का जवाब भी आपको मुख्तलिफ ही मिलेगा, आप जिससे भी पूछेंगी वो अपनी बात करेगा।
वेरी नाइस हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टेंपर हुमा आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। हम और आप मौजूद है अमाना मॉल में जहाँ पर हम कर रहे हैं बहुत सारा फन, लेकिन एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है और मिलते हैं हम वक्फे के बाद। दिल मेरे तू दीवाना है पागल है मैंने माना है, पल पल आहे करता है कभी कभी ये मुझे रुलाए कभी कभी ये हंसाए। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है अमाना मॉल में दोस्तों से बात कर रहे हैं हम आपके और उनसे हम कर रहे हैं बहुत सारा फन। तो जनाब अभी भी बहुत सारे दोस्त हमारे पास मौजूद हैं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे उनकी जानिब इससे पहले कि वह यहाँ से चले जाए। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान आपका क्या नाम है? माहीन। माहीन और रेहान आप दोनों बहन भाई हैं जी। और कितने बहन भाई हैं आपके? माशाल्लाह हम पांच बहनें और दो भाई हैं। बाकी बहनें कहाँ हैं? तीन मैरिड अपने घर में हैं। और आप आज कैसे आई हैं मॉल में? वैसे ही बच्चे कह रहे थे बाहर जाना, पुप्पो बाहर लेके जाएं। बच्चों को पुप्पो लेकर आ गई तो जारी बात है, पुप्पो ने लेके आना और किसने लेके आना। क्या मतलब आप कमाती हैं, क्या करती हैं? फिलहाल जॉब भी करती हूँ मैं। क्या जॉब कर रही हैं आप? मैं जॉब करती हूँ मार्केटिंग की। किस चीज़ की मार्केटिंग करती हैं आप? मैं स्किन केयर में हूँ। स्किन केयर में क्या सिखाती हैं? स्किन केयर में आप लोगों को क्या सीखा, क्या आपने खुद स्किन को पता होगा ना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में? जाहिर बात है स्किन के बारे में बताते हैं, जिनकी स्किन ड्राई है सॉफ्ट है जो भी उनको जो चीज़। अच्छा, अभी जाहिरी बात है बड़ा बोलती है तो सीखा तो नहीं है? सीखा ही है लोगों से। जाहिरी बात है जी। चलिए बताइए आप कुछ बता रही थी। जाहिरी बात है नहीं बस नहीं बस चले कुछ अच्छा सुना दे दोस्तों को। दिल मेरे तू दीवाना है पागल है मैंने माना है, पल पल आहे करता है कहने से क्यों डरता है। सवाल आपसे पूछे लेते आपको सवाल का जवाब आता नहीं तो सवाल हमारा से आपसे पूछे सवाल पूछे ध्यान बोलो। अब देंगे जवाब पूछ लूं मैं? पूछो पूछो। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है? डोरेमोन। अच्छा डोरेमोन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? नोबिता। अच्छा मुझे ये बताइए कि डोरेमोन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? शिज़ुका। नोबिता। पक्की बात है? पक्की बात है। दोनों में से अच्छा कौन है? डोरेमोन। डोरेमोन एक छोटा सा गिफ्ट टेंपर आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये इधर आए जरा अपने दोस्तों को बोले थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जासिम अब्दुल्ला। जासिम आपका क्या नाम है? अरिबा सिम। अरिबा आप सीधे खड़े हो सही। आपका क्या नाम? आसिम शहबाज। आपके कितने बच्चे आसिम? मेरे तीन बच्चे हैं माशाल्लाह। तीसरा बच्चा कहाँ है? तीसरा बच्चा अभी छोटा है, न्यू बॉर्न बेबी है। बॉर्न है इसलिए वो यहाँ नहीं आए। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा जासिम कुछ सुना दें अच्छा सा गाना दोस्तों को। सुना दें। Smooth like butter, like criminal undercover. Gonna pop like shower, like in your right. Smooth like butter, like criminal undercover. Gonna pop like trouble, like ninja yeho. Oh, okay, good, great. सवाल पूछे आपसे? चलें let's see आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते नहीं तो सवाल हमारा सही है। वो कौन सी जगह है जहाँ पे सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता? जन्नत। नहीं और बताएं। सूरज कहीं भी गुरूब नहीं होता। वन मोर ऑप्शन सोच के जवाब दें। समंदर में ही तो गुरूब होता है। मगरिब। लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ पर वो कभी गुरूब नहीं होता। मशरिक में। वैसे ये बात भी सही है लेकिन हमारा जवाब कुछ और था। समा हुआ आपने बड़ा स्मार्ट जवाब दिया है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेंपर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आप उनसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? उमेर। उमेर कौन सी क्लास में? आप टू क्लास में। क्लास टू में आज मॉल में कैसे आना हुआ? आज बस आगे क्या सोच के रखा था, क्या प्लान किया था मैं जाके क्या करूँगा मॉल में?
मम्मा ने कहा था मैं आपको झूले आपका क्या नाम है? काशिफ। आप इनके भाई हैं? नहीं, मेरा दोस्त है, उसका भाई है। छोटा दोस्त का भाई है। चलें। अच्छा, ये चश्मे आपने लगाए हुए हैं रात में, घड़ी वड़ी भी पहनी हुई आपने, बड़ी गोल्डन वोल्डन, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। हाँ जी, जरा चश्मे तो लगा के दिखाएं दोस्तों को, लगाएं जरा। ये देखें जनाब, ये जो है ना हमारे छोटे से दोस्त, हमें चश्मे लगा के दिखा रहे हैं। चश्मों के साथ कोई गाना आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? सोचो या सोचो, कुछ आ जाएगा दिमाग में। नहीं, कोई गाना आ रहा है दिमाग में? नहीं। चलो उतार दो चश्मे। ओके। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि आपने आज क्या करना है मॉल में? हमने आज घूमना है। हमने आज घूमना है मॉल में, घूमना है। हाँ जी। और खाना पीना है? हाँ जी। कोई अच्छा सा गाना सुना दे। मुझे चले, आप सुना दे, माइक मेरे पास। कभी कभी ये मुझे रुलाए, कभी कभी ये हंसाए, कभी कभी ये मुझे रुलाए, कभी कभी ये हंसाए। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम है मेरे पास तुम हो। सर, एक सवाल आपसे पूछते हैं, देखते हैं आप दोनों में से कौन हमारे में सवाल का जवाब देता है। तो हमारा सवाल जनाब आपसे ये है कि वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता? आई डोंट नो। सोचना तो चाहिए, आपको पता? नहीं। ऐसी किसी जगह का भी आपको नहीं पता? नहीं। चल, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हरीम। हरीम, हरीम आप कौन सी क्लास में? प्री टू। आप प्री टू में हैं? यस। गुड। आपका क्या नाम है? मीरब। मीरब, आप कौन सी क्लास में? टू। आप क्लास टू में हैं? हाँ जी। हरीम आपकी बहन है? हाँ जी। और कितनी बहन है आपकी? एक। एक और बहन भी है, वो कहाँ है? वो घर पे है। सो क्यों उसको घर पे क्यों छोड़ के आए? वो सोगी थी। छोटी है? हाँ जी। सबसे ज्यादा प्यारी कौन सी बहन है? किस बहन के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप है? मंतशा। मंतशा के साथ सबसे दोस्ती है? हाँ जी। गुड। आपका क्या नाम है? राजा कामरान। आपकी बच्ची है? जी। मेरी क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर करता हूँ। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर हैं। क्या करता है फार्मर? फार्मर क्या करता है? फार्मर खेती बाड़ी करता है। अच्छा, आप बताएं मीरब, फार्मर क्या करता है? खेती बाड़ी। आपने कभी देखा है कि कैसे कर रहे होते हैं फार्मर खेती बाड़ी, फार्मिंग कैसे कर रहा होता है? वीडियो में देखा है। वीडियोस में देखा है। कभी आपने खुद जाकर नहीं देखा फार्म्स में? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। जाना चाहेंगी? हाँ जी। देखना चाहेंगी? यस। गुड। आपको और क्या क्या कुछ देखना अच्छा लगता है? सब कुछ। जैसे? जैसे कार्टून। कार्टून में क्या देखना अच्छा लगता है? लेडी बर्ड। लेडी बर्ड कौन से कलर के? एक ही है, रेड कलर की होती है। अच्छा, ये लेडी बर्ड होता है या लेडी बग होता है? लेडी बग। गुड। आपका क्या नाम है? हरीम। हरीम। अच्छा हरीम, मुझे आप बताइए कि आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है? डोरेमोन। डोरेमोन पसंद है? क्यों? वैसे। कोई और क्यों नहीं पसंद? वैसे। अच्छा, डोरेमोन जो है वो, चले डोरेमोन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? नोबिता। वेरी नाइस। आपसे एक सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा गाना सुनाएं। गाना नहीं आता। क्या आता है? कोई माती है। सुनाएं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वॉच यू व्हेन यू आर अप, आई वॉच यू व्हेन यू हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ओके फाइन, आपसे एक सवाल पूछें, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल ऐसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जितना भी पैदल चल जाए, जितना भी चलती रहे, कभी भी नहीं थकती, टूट जाएगी थकेगी नहीं? टूट जाएगी थकेगी नहीं। सॉरी, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। हम और आप मौजूद हैं हमारा मॉल में, लेकिन यहाँ पर हमने लेना है एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा। मिलते हैं वक्फे के बाद। तुम भी न भूलो, हम भी न भूलें, के जब दिल मिले
नमाज नीयत से होती है, सफ़ेद कपड़ों से नहीं। मोहब्बत दिल से होती है, सफ़ेद चेहरों से नहीं। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं अमाना मॉल में, और जनाब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके प्यारे प्यारे दोस्तों से। तो आपके बहुत सारे और भी दोस्त हमारे पास मौजूद हैं, आइए जल्दी से बढ़ते हैं उनके जानिब और करते हैं बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? अहमद अली। क्या करते हैं अहमद? बेसिकली हम सारे बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। अच्छा, सारे इंजीनियर यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? इंजीनियर्स के पास ना मेरा मिशन भी है आप लोग आज। वो आपके सामने व्हाइट पेट बैग सबने जो पकड़े हुए हैं, जो सैलरी मिली है वो बस लगाने के लिए। सैलरी आज जो ली वो लगा दी, वो सारी आज लगा दी। बढ़िया। आपका क्या नाम? दानिश हुसैन। दानिश, आप क्या करते हैं? बायोमेडिकल इंजीनियर। आप भी इंजीनियर हैं? सारे मतलब सारे इंजीनियर, वो बात तो पहले ही तय हो चुकी थी, क्लियर हो चुकी थी। अच्छा, और बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है इंजीनियरिंग के अलावा? बस अभी तो खैर मेन फोकस यही है कि अपनी फील्ड को ही लेके जितना भी बन सकता है पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं? एग्जैक्टली। यहाँ से भागना भागना तो नहीं है? वैसे तो हकीकत बात बताऊँ तो अगर कल कोई वीज़ा दे तो भाग चलेगी। देखें, बात वो दिल की बात जो है ना वो लबों पर आ ही गई, लेकिन ये कि डेफिनेटली करें ना, वो मजबूरी का नाम क्या है? शुक्रिया 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 पाकिस्तान, वही वाली बात आ जाती है। लेकिन खैर नहीं, हुबुलवतनी तो सभी है, सभी पाकिस्तानी है। अपने मुल्क से किसको मोहब्बत नहीं होती, सभी को होती है, लेकिन मईशत हालात सभी के सामने है। क्या कहेंगे आप? आई गेस के मिट्टी डालें छोड़े पर, ये जैसे दुखती रख पे हाथ नहीं रखते हैं, वो बात जो होती है ना बड़ों ने कही है उसको मानना चाहिए। क्या खाना पीने में क्या पसंद है आपको? जो मिल जाए जो मिल जाए, जो आराम से मिल जाए, जो मिल जाए वाकई। अच्छा, आप बताइए आपको क्या पसंद है खाने पीने में? जो मिल जाए तो मिल जाए, भी सारे इंजीनियर्स को जो मिल जाए खाने में वो पसंद है। आज क्या प्लान्स हैं? आज बस आज तो जितना खाना था खा लिया, बस अब वापसी का प्लान है, हम इस्लामाबाद से हैं बेसिकली। इस्लामाबाद जा रहे हैं? इस्लामाबाद वापस जा रहे हैं आज। हो गया, कुछ अच्छा सा सुना दें आज। ओके। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, तुम भी न भूलो हम भी न भूले, के जब दिल मिले तो मंजिल मिले। थैंक यू। अच्छा, वेरी नाइस। सवाल आपसे पूछने लगी थी, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है? तो सवाल का जवाब, सवाल ये है, जवाब तो मैं बाद में मिलेगा। वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता? नहीं, दिमाग इस्तेमाल, ये हो ही नहीं सकता, मतलब दिमाग इस्तेमाल के बगैर जवाब नहीं हम लेंगे। दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी है। शर्त है मशरिक। ओह वाह, क्या बात है। ये देखे ना, ये बात होती है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो जवाब आ ही जाता है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका क्या नाम है? शाहरुख। शाहरुख, आपका क्या नाम? उमर। आप तीनों क्या करते हैं? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियर। बायोमेडिकल इंजीनियर तीनों, मतलब आज बहुत सारे इंजीनियर हैं, अल्लाह खैर करे। क्या प्लान्स हैं ज़िंदगी में, क्या करना है आज का? चलें प्लान बता दें। आज सुबह से मीटिंग अटेंड की है, उसके बाद अब जो है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आए। सेम सेम कंपनी में ना, मतलब एक ही टाइम पे पैदा तो नहीं हुए थे सारे? अभी एक जैसा सोच रहे हैं। एक बड़ी पुरानी जापानी कहावत है कि दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं, वो जो खून से होते हैं और दूसरे वो जो हम ख्याल होते हैं। इतने हम ख्याल रिश्ते, ख्याल लोग हैं, हम ख्याल लोग हैं, वरना इसके अलावा तीसरी और कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। गुड। अच्छा चलें, खाने में क्या पसंद है? मुझे तो मतलब खिलाने में, चलें आज बताएं, हम खाने की बात तो करते हैं, खिलाने में क्या पसंद है? खिलाने में अभी खिला कर आया इनको, क्या खिलाया? हाँ, इसने पिज्ज़ा खिलाया हमें, अपने इंटरनेशनल टूर की पार्टी दी है, इंटरनेशनल जा रहे हैं, जरा हमारा जा रहे हैं, जा करम फरमाए, खैर फरमाए। कहाँ जा रहे हैं? मैं चाइना जा रहा हूँ। क्या प्लान है वहाँ, क्या करना है वहाँ पे? ऑफिशियल मीटिंग है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, उसके लिए जा रहा हूँ। कितने अरसे के लिए? टू वीक्स के लिए, फोर्टनाइट। सीपैक के बारे में क्या कहेंगे?
सीपैक अच्छा प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाए तो। अच्छा अनफोल्ड हो गया, दुआएं हैं कि नहीं है, कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं? ऑब्वियसली होप शुड बी देयर, और मतलब इंशाल्लाह चांसेस हैं कि हो, मतलब हर जो है ना, मतलब आफ्टर एवरी डाउनफॉल एक राइज तो आता है ना, तो बहुत डाउनफॉल आ गया, अब इंशाल्लाह उबरने की बारी है हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप ये बताइए कि कोई गाना सुना दें अच्छा सा। गाना मिली नगमा सुनाता हूँ। सुनाइए मिली नगमा बाद सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमी और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ये क्या पाकिस्तान। मौसम 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 लेसी, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि चलें वो सवाल बता दें जिसका जवाब आपको हमेशा मुख्तलिफ मिलेगा। नाम किसी का नाम पूछें तो वो हर दफ़ा मुख्तलिफ मिलेगा ना। बहुत तेज़ है भाई, हल्का नहीं लेना है इंजीनियर्स को। हम और आपकी जानब से छोटा सा गिफ्ट एम्बर आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा अपनी से बात। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। क्या रमज़ान जी, क्या करते हैं मोहम्मद रमज़ान आप? मैं स्टडी भी करता हूँ। और क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी एट में। क्या कर रहे हैं? स्टडी स्टडी एट में। एट्थ में? हाँ। आपने रमज़ान क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में? अपना काम करना है। क्या अपना काम? अपना काम गारमेंट्स का। गुड। आप क्या कहे, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सज्जाद इकबाल। सज्जाद जी, क्या करते हैं सज्जाद? मैं अभी बोरजान में हूँ। कहाँ पर हैं? बोरजान शोर जो शॉप। अच्छा, आप यहाँ पर काम करते हैं? जी। हो गया, कब से काम कर रहे हैं आप? मैं बोरजान में करता हूँ, मैं दो साल से कर रहा हूँ। दो साल से? इससे पहले भी कोई और काम कर रहे थे? रेस्टोरेंट फील्ड में था मैं। रेस्टोरेंट फील्ड में थे? अच्छा, रेस्टोरेंट फील्ड से फिर यहाँ पर सेल्स में कैसे? वो इधर भाई मैनेजर लगा हुआ है ना, उसके पास ही। गुड है, अब मुतमईन है? गुड है, अच्छा चल रहा है सब? सब बेस्ट है, बेहतरीन माशाल्लाह। रमज़ान को जैसे सुना दें दोस्तों को। नमाज नीयत से होती है, सफ़ेद कपड़ों से नहीं, मोहब्बत दिल से होती है, सफ़ेद चेहरों से नहीं। ओ चलें, अब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि गौर से सुनना है, सही जवाब देंगे तो मिलेगा कि टाइम पर बनना नहीं। वो कौन सी चीज़ है जो जितना भी पैदल चल ले थकती नहीं है? थकती नहीं है? कीड़ी नहीं। कभी तो कीड़ी भी रेस्ट करती ही है ना, च्यूंटी वैसे होता है, हम कीड़ी बोलते हैं, प्रॉपर जो है वो दैट इज़ च्यूंटी। आठ नहीं, खैर ये तो जवाब नहीं है, आप बताइए कुछ दिमाग में आ रहा है? दोबारा बताएं। आपने नहीं सुना सवाल, दोबारा बताओ। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितना भी पैदल चल ले थकती नहीं है? ये माइंड में नहीं आ रहा। आपके माइंड में तो आना चाहिए था क्योंकि आप ऐसी जगह पर काम करते हैं। थैंक यू सो मच। जनाब हमारे जाने का वक्त हो गया है, क्या करें, जाएंगे तो फिर ही आपसे दोबारा मिलने के लिए आएंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताएंगे सारे फन से भरपूर वो मज़ेदार मज़ेदार से सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे कि उनके सही जवाब क्या हैं, तो गौर से सुनते जाइए कि वो सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या हैं। एक सवाल जो मैंने किया कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको हमेशा बदलता हुआ ही मिलता है, तो वो सवाल अगर आप करेंगे तो वो ये होगा कि टाइम क्या हुआ है, वक्त क्या हुआ है, खाया क्या है, पकाया क्या है, सारी ऐसी बातें जिनके जवाब आपको मुश्किल मिल सकते हैं और मुख्तलिफ मिल सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें जो जितना भी पैदल चले लेकिन थकती नहीं है? आपके स्लीपर्स। एक और सवाल जो मैंने किया कि दुनिया के महंगी तरीन डिज़ाइनर का नाम क्या है? लुई विटॉन। और आखिरी सवाल जो मैंने किया वो ये कि वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता? एक बात कि स्पेस में कभी गुरूब नहीं होता क्योंकि सूरज है ही स्पेस में, लेकिन दूसरा जवाब ये भी कि सूरज कभी मशरक़ में गुरूब नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे जवाब बड़े मज़े के लगे होंगे और आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा जैसे कि हमने इन्जॉय किया, और हमारे भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, यकीन हमारे दोस्तों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर। ज़रूर बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स कीजिए। बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार, आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफिज़।